कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप कि राजगढ़ की नगरपालिका भारतीय जनता पार्टी की है, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका है, लेकिन 2021 की बोर्ड बैठक के अंदर नगरपालिका के 14 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, 20 इंडिपेंडेंट पार्षद और एक कांग्रेस का पार्षद मौजूद थे, लेकिन इनकी मौजूदगी के अलावा आपके विधायक जोरीलाल जी मीणा भी उस बोर्ड मीटिंग के अंदर उपस्थित थे, आपके उपखंड के अधिकारी SDM भी उस बोर्ड मीटिंग के अंदर उपस्थित थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ही नहीं, आपके विधायक के इशारे के ऊपर लिया गया प्रस्ताव, और सिर्फ प्रस्ताव यह कि अपूर्ण गौरवपद को पूर्ण करने के लिए अतिक्रमण हटाने का, ना कि उस बोर्ड प्रस्ताव के अंदर किसी मंदिर को हटाने का प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता के आधार पर और तुष्टिकरण की राजनीति के आधार के ऊपर मंदिर को तोड़ने का काम करके करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके विधायक झोरीलाल जी मीणा का एक सार्वजनिक वीडियो वायरल हो रहा है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि बबूल के बीज बोओगे तो आम कहां से पैदा होंगे। और 24 घंटे का मैं आपको समय दे रहा हूं, 34 के 34 पार्षद मेरे पास आ जाओ, मैं 24 घंटे के लिए कार्रवाई को रुकवा देता हूं। अगर 24 घंटे पे 34 पार्षद नहीं आए तो कार्रवाई तो होके रहेगी, मंदिर टूट के रहेंगे, अतिक्रम हटके रहेगा। तो ये किस दबंगता के आधार के ऊपर कह रहे हैं? और आप कह रहे हो कि बोर्ड का प्रस्ताव, नगरपालिका की बहुत सी ऐसी है जिन्होंने बोर्ड प्रस्ताव ले रखा है अनेकों कामों का। हमने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र चौमो के अंदर सार्वजनिक जमीन के ऊपर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए विधानसभा के अंदर भी मैं बोल चुका, कलेक्टर को भी मैं लिखित में दे चुका, लेकिन सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण हटाने का काम आपकी सरकार नहीं कर रही। तो एक विधायक के कहने से सरकार काम नहीं कर रही, SHO नहीं जा रहा, तहसीलदार नहीं जा रहा, SDM नहीं जा रहा, जिला कलेक्टर रुचि नहीं ले रहा, तो आखिरकार ऐसा कौन से कारण है कि एक नगरपालिका के अध्यक्ष के कहने से इतना बड़ा जाप्ता भी मौजूद है, दो SDM भी वहां मौजूद है, जिला कलेक्टर भी मॉनिटरिंग कर रहा है, SB भी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि नगरपालिका का अध्यक्ष को इतनी हैसियत आपने दे रखी है, ये काबिले तारीफ है, लेकिन जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। नगरपालिका अध्यक्ष की इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई भूमिका नहीं है, भूमिका है तो राजस्थान सरकार के नुमाइंदों की है, वो चाहे उपखंड अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नगरपालिका का ईओ, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे।